खबर का रुख करेंगे रायपुर से मिल रही, जहां पर कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ से राहत की खबर है और कोरोना संक्रमित एक और मरीज स्वस्थ हुआ है। 12 मरीजों का एम्स में इलाज जारी है। बीती रात कटघोरा में 3 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर एम्स में भर्ती किया गया था। शेष 12 मरीजों के स्वास्थ्य में भी लगातार सुधार हो रहा है। राज्य में कोरोना से संक्रमित अब तक 24 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। सार्क देशों ने रायपुर एम्स के इलाज की पद्धति की तारीफ की है और इलाज की इस प्रक्रिया को अपने देशों में अपनाने की भी बात की है। 3 विषयों पर एम्स का अलग अलग दिनों में प्रेजेंटेशन भी होगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क के विभिन्न देशों के साथ सहयोग बढ़ाने और उनके साथ स्वयं के अनुभव बांटने के उद्देश्य से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर ने वेबिनार के माध्यम से सार्क देशों में 147 चिकित्सकों के साथ संवाद किया। केंद्रीय विदेश मंत्रालय के द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोविड-19 के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए तकनीकी और चिकित्सीय जानकारियां प्रदान की गई हैं। निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने बताया है कि सार्क के चिकित्सकों ने भारतीय चिकित्सकों के प्रयासों की सराहना की है और एम्स रायपुर से नेतृत्व और सहयोग का अनुरोध किया है। एम्स की ओर से भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। सुप्रिया पांडे जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रिया, एक तरफ तो चिंता की लकीरें बढ़ जाती हैं कि जब अचानक से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा होता है, फिर राहत की खबर यह होती है कि नहीं, अब वो स्वस्थ हो रहे हैं, ठीक होके कुछ घर भी चले गए हैं। जी बिल्कुल, जिस तेजी से छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा था, उसी तेजी से जो मरीज है वो ठीक भी हो रहे हैं। तो इस तरह से जो सार्क देश है वो कोरोना को निपटने के लिए एम्स, रायपुर एम्स से मंत्र जो है वो मांग रहे हैं, क्योंकि रायपुर एम्स ही 4-4 दिनों में जो है कोरोना के मरीजों को ठीक करता हुआ नजर आ रहा है। तो जो और भी जो मरीज है, जो 12 बाकी बचे हुए मरीज है, वो भी स्वस्थ होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या स्ट्रेटेजी ऐसी रायपुर एम्स के पास है कि जिस तरह से भी आपने जिक्र किया कि 4-4 दिनों में कोरोना के जो मरीज हैं वो ठीक हो रहे हैं, अगर 4 दिन में मरीज ठीक हो रहे हैं तो वो क्या स्ट्रेटेजी है जिस पे रायपुर एम्स काम कर रहा है और सार्क देशों ने भी इस पे सहयोग मांगा है? जी बिल्कुल, रायपुर एम्स जो है वो जो क्वारंटाइन में रख, मतलब आइसोलेशन, जिस तरह से मतलब इलाज की प्रक्रिया होती है उससे कुछ हटकर ही कर रहा है, क्योंकि इसी जिस तेजी से जो कोरोना के मरीज हैं वो ठीक हो रहे हैं। तो इस तरह से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन के विभिन्न देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए और अनुभव बांटने के लिए रायपुर एम्स को चुना गया है और इस तरह से एम्स ने अपने अनुभव जो बांटे हैं और कोरोना जो वायरस है उससे निपटने के लिए एम्स ने काफी सारे सलाह भी दी है, क्योंकि जो लॉकडाउन के बारे में विस्तार से जो जानकारी दी गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए।